कितना हो रहा है, तो पहले तो इनके लिए ढेर सारे टारगेट मेडिकल वाली रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे पास जो पेशेंट थे अभी, आप कहाँ से आए थे? गुजरात से पेशेंट आए थे हमारे पास। 53 की एज है ऑलमोस्ट, 53 की एज है ऑलमोस्ट। और एक और पेशेंट है हमारे पास जो 53 की एज में आए हैं और अच्छी रिकवरी हुई है। और बिफोर की वीडियो बनाना, उस दिन थोड़ा रश ज्यादा था, इनकी वीडियो नहीं बन पाई थी। वो हमारे ये पेशेंट हैं जो डंडे पे चल के आए हैं, ये खुद बोल रहे हैं अभी, है ना, बाकी पेशेंट ने भी देखा है। तो डंडे पे आए थे और अभी नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। मूवमेंट इनके चेक कराएंगे, क्या क्या मूवमेंट आए हैं, बाकी आज अग्निगम है, उसके बाद आगे के मूवमेंट चेक कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पैर खड़ा करिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कहाँ हो रहा था, कितना हो रहा था पहले ही, लगभग कितना, अभी कितना हो रहा है, 90 पे, अभी इससे ज्यादा और आएगा, ठीक है। दूसरा करो, दूसरा, दूसरा, कितना हो रहा था ये, ये तो इतना हो रहा था, अभी कितना हो रहा है। तो पहले तो इनके लिए ढेर सारे तारे, 53 की एज में भी इन्होंने काफी जज्बा दिखाया और चीजें फटाफट रिकवर करी है। कितने दिन हो रहे हैं अभी, शायद 5 दिन है, 5 दिन है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला पैर खड़ा करो, दूसरा करो, दूसरा करो, ठीक है, बैक हो जाओ, अगले काम करेंगे। लेग की साइड नर्वस सिस्टम ले जाने वाला यही वाला एरिया है, इसलिए पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया जाता है। बोलो नमामी, नमामी धन्वंतरी, धन्वंतरी आदि, आदि देव, अग्निगम में, इसलिए ये वाला एरिया टारगेट किया जाता है मैक्सिमम। ये साइटिक नर्व को जो है हम अभी टारगेट कर रहे हैं, स्टार्टिंग नर्व की वजह से भी बहुत सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब सबसे पहले आप दोबारा मूवमेंट दिखाइए, पहले से बेटर मूवमेंट आएंगे, आए, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा करो, ये डन है, आजीबाजी आ रही है अभी प्रॉपर, ठीक है। ये वाला पैर बाहर, ये वाला पैर अंदर, ये वाला अंदर और ये वाला बाहर, ऐसे, हाँ, शिफ्ट करी, हाँ, नीचे करी, लंबी सांस लो, नीचे बैठाओ, ठीक है, डन है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित भारती, सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे पास जो है फॉलोअप के लिए पेशेंट आए हैं रजनीकांत जी, जो कि राजस्थान से हैं, गुजरात से, अच्छा सॉरी, गुजरात से पेशेंट है हमारे पास। 1.5 महीने का जो है ट्रीटमेंट उन्होंने फॉलोअप लिया है, 2 महीने का पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले वो हमारे पास आ गए, किसी कारणवश से जो है ट्रीटमेंट पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाए वो, लेकिन जो है फिर भी उन्होंने दिनचर्या और ऋतुचर्या, डाइट चार्ट और रेगुलर एक्सरसाइज और जो ट्रीटमेंट बताया गया था उसको अच्छे से पालन किया, और उसके बाद ये वाला मेडिकल दिखाई देता है एक्सरे रिपोर्ट में। क्या किया जाएगा, सबसे पहले एक्सरे रिपोर्ट इनकी डिस्कस करते हैं, उसके बाद इनका थोड़ा सा जो है रिव्यू लिया जाएगा, क्या क्या इन्होंने चीजें फॉलो करी, फिर आगे का ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, मूवमेंट वगैरह कैसे आएंगे, ओके। डेट है रिपोर्ट में 18/1/2024, पेशेंट है रजनीकांत जी, ठीक है, उम्र है 53, ओके। चलिए अभी देखिए इस वाली रिपोर्ट में, ढंग से देखिए इस वाले में जो है हेड ऑफ फीमर और एसेट वॉलम बिल्कुल चिपका हुआ है, कहीं से भी कहीं तक कोई सा भी गैप नहीं है। ये मेरे द्वारा ड्रॉ किया गया था कि हेड ऑफ फीमर की सेव 2 महीने में कैसे बचने वाली है, ये चीज़ मैंने ड्रॉ करी थी। अगर ड्रॉ नहीं होती तो बीच में बिल्कुल भी लाइन नहीं बची हुई है, क्लियरली देखना है, हल्का सा गैप यहाँ पे है लेकिन मैं इसको ना के बराबर गैप मानूंगा, है ना। तो इस वाली रिपोर्ट में भी पूरा हेड ऑफ फीमर और एसेट वॉलम बिल्कुल चिपका हुआ है ना। अब जरा मेडिकल वाली रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, पेशेंट की जो है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, रजनीकांत जी हैं, ठीक, एज जो है 54, आपका बर्थडे आ गया बीच में, उसमें 54 लिखा, अच्छा उसमें 54 लिखा हुआ था, ओके, मुझे लगा एक साल तो हुआ नहीं है, ठीक है, 53-54 में थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा लैब टेक्नीशियन वाला, लेकिन रजनीकांत जी हैं, पेशेंट सेम है, ओके। और जो है 8/3/2024 की रिपोर्ट है, चलिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए मिरेकल वर्क है बिल्कुल, हेड ऑफ फीमर और एसेट वॉलम जो है प्रॉपर शेप में आया है। ये वाली जो शेप है बहुत ज़्यादा, मतलब इस हड्डी में मजबूती नहीं है, ये बहुत मजबूत बोन बन के आई है हेड ऑफ फीमर और एसेट वॉलम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप जनरेट हुआ है प्रॉपर, यहाँ पे भी मीडियल साइड में थोड़ा सा कम है, इस पर गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गैप आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा गैप आएगा, मीडियल साइड में चिपका हुआ है, लेकिन 2 महीने में ये वाला मिरेकल है दोस्तों।
बेसिकली क्या होता है इस वाली रिपोर्ट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रैक आ जाता है, या फिर एक टुकड़ा यहाँ से चला गया, एक टुकड़ा यहाँ से चला गया, 1.5 से 2 मंथ के गैप में जो है अगर ट्रीटमेंट सही नहीं है तो ग्रेड बढ़ जाता है। इनका ग्रेड फिक्स हो चुका है, हड्डी पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा मजबूत है, मूवमेंट भी ऑलमोस्ट सब है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनका रिव्यू लेते हैं, है ना। कहाँ से आया हमारे पास? गुजरात से सर। बिफोर की भी वीडियो आपकी शूट हो रही है, आपकी ये वाली वीडियो जो है मैं उसके साथ ऐड करूंगा, अग्निगम वाली जो है ना, जिस टाइम आपको मूवमेंट आए थे, तो बिफोर की वीडियो भी और आफ्टर की वीडियो दोनों दिखाई देंगे। अभी आपके मूवमेंट भी चेक किए जाएंगे। कैसी जर्नी रही है आपकी ट्रीटमेंट का जो है, एक हफ्ते का क्या क्या सेशन हुए थे और चीजें कैसे हुई, रिकवर होना कैसे शुरू हुआ, और सबसे पहले तो स्थिति बतानी है अपनी, कैसे आए थे आप हमारे पास? पहली दफा जब मैं आए थे तब तो सर मैं एक डंडा लेके आया था और चल भी नहीं सकता था, और इधर आने के बाद जो मैंने पूरा 8-10 दिन का आपका सेशन लिया उस तो डंडा तो इधर ही छूट गया था। ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद मैंने जो आपने डाइट बताया था, जो सब ट्रीटमेंट बताया था, उसमें से मैंने घर पे जितना हो सकता है वो चालू कर दिया था। ओके ओके, कुछ चीजें रह गई थी। हाँ, कुछ चीजें रह गई थी। चलिए, तो जो है पेन का क्या रहा है, सबसे मेन क्वेरी पेशेंट की रहती है कि पेन जो है 1.5 से 2 मंथ में पूरा जाता है कि नहीं जाता है, कितना जाता है, बिल्कुल जेन्युइन बात बतानी है। पेन के लिए बड़ा परेशान रहते हैं हमारे पेशेंट। सर मैं इधर से गया उसके बाद मेरे को पेन राइट साइड में तो 100% चला गया, ऐसा बोलूं भी चलेगा, 5-10% था जी। लेकिन वो एक्सरसाइज करता था उस टाइम था, फिर पता लगा था। ठीक, लेकिन लेफ्ट साइड में मेरे को 30-35% पेन रहता था, राइट साइड में जो कि कंटिन्यूअस बना रहता था। पहले जब आप आए थे तो वो पेन कितना था, कितने बहुत ज्यादा था, 100% था। उसके बाद जो है 35% बना रहा था ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, देखिए अगर किसी भी ट्रीटमेंट में जब ग्रेड अभी तक रिवर्स नहीं हुआ और पेन जो है एकदम से मैनेज हो रहा है, सबसे बड़ा रीजन होता है स्टेरॉइड पेन किलर। डॉक्टर किसी ना किसी फॉर्म में जो है आपको पेन किलर दे रहा है, और अगर पेन किलर नहीं दिया जाएगा तो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में कैसा होता है, पेन का क्या सिनेरियो रहता है, कम 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 और खत्म, ये प्रोसीजर रहता है। एकदम से पेन कम करने वाला ऐसा कोई प्रोसीजर होता नहीं है, क्योंकि जब एकदम से डिजनरेशन खत्म नहीं होता है तो पेन भी एकदम से खत्म नहीं होता है, धीरे धीरे होता है ये वाली चीज़ है ना। और एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक हफ्ते का खेल नहीं है, ना ही जो है 1.5 से 2 मंथ का खेल है, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितनी जल्दी जो है चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है और अपने आप को रिवर्स कर रहा है। एक हफ्ते में जो है आपको क्या क्या चीज़ें मिल चुकी थी शुरू के एक हफ्ते में? शुरू के एक हफ्ते में मैं चल नहीं रहा था, चलने लगा था, आलती पालती होने लगी थी, और मेरा पाँव जो 6 इंच कम से कम 6 इंच ही खुल रहा था, तो इधर रहने के बाद मेरा कम से कम 1 फुट 12 इंच तक तो खुल गया था, पैर खुल गया था। ठीक है, और एक और चीज है, आप मुझे ये बताइए डाइट चार्ट प्रॉपर आपने कैसे फॉलो किया, ये बहुत ज्यादा टफ होता है, फिर भी आपने डाइट चार्ट प्रॉपर कैसे फॉलो किया, क्या मान सकता है, और वो पेशेंट जो है नहीं कर पाते आप उनसे क्या बोलना चाह रहे हो? अगर हम चीजें कंटिन्यू करते हैं तो इस टाइप के रिजल्ट लाते हैं, वो तो आपने सिद्ध कर दिया, कोई आपका ऐसा कोई मैसेज जो आप उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या आयुर्वेदा में जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल है? 100% है सर, और डाइट चार्ट तो करना ही पड़ेगा, डाइट चार्ट नहीं करेगा तो रिजल्ट मिलने में दिक्कत रहेगी। बिल्कुल, और मैंने वेट भी जितना था उससे बढ़ाया नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल रखा, एक के जी घर पे जाके बढ़ाया है 3 महीने में, लेकिन कंट्रोल रखा है। चलिए अब दोस्तों एक जो है सबसे मेन खुलासा ये करने वाले हैं, पेन की वजह से जो पेन हल्का फुल्का बना रहता है उसकी वजह से जो है घर वालों का भी प्रेशर रहता है, बहुत सारे लोगों का प्रेशर रहता है कि भाई ये पेन कब तक झेलोगे, एक काम करिए सर्जरी करवा देते हैं, इनकी जो है लाइफ में ऐसा ही फेज आया है इस वाली कंडीशन में। अब वो आगे की जो है कंडीशन अपने मुंह जुबानी बताएंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, पेन तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा था ना सर, तो मेरा वाइफ मेरे को दिख के मेरा रिलेटिव सबको बोल देती थी कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो मेरा जीजाजी ने मेरे को बोला कि अभी गुजरात में कहीं नहीं दिखाना है, तो इन्हें पूरा गुजरात में दिखा दिया था, अहमदाबाद और राजकोट में। ठीक है, तो फिर वो मेरे को बॉम्बे में दिखाने के लिए गए, तो वो वहाँ भी बीच कैंडी हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? बीच कैंडी। ठीक है, ठीक है, मतलब जो सेलिब्रिटी होता है ना, क्रिकेटर होता है, वो फिल्म निकल वहाँ वो लोग जाते हैं। ओके ओके, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, रिलायंस के पब से है। ठीक है, तो वहाँ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेके हमने दिखाया उसको। डॉक्टर्स कौन से थे, क्या बोला राजेश मणिया सर? एक बार कैमरे में, तो सबसे पहले तो राजेश मणिया सर का भी बहुत बड़ा जो है धन्यवाद है, उन्होंने जो है सर्जरी के लिए मना किया उनको। अब क्यों किया है, एक बार इनकी जुबानी फिर से सुनिए आप। अब ठीक है, डॉक्टर्स के पास आप? डॉक्टर के पास गया तो मैंने, मेरा जीजा जी ने ऐसा ही बोला कि सर मेरे को राइट साइड में तो मूवमेंट अच्छा आ गया है, लेफ्ट साइड में 50-50 मेरे को लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप एक्सरे करके सब दिख लो और मेरे को सर्जरी करवाना है, मेरे को 2-3-4 महीने के बाद घर में एक प्रसंग आने वाला है मेरा, लड़के का शादी, तो उसने सब मेरा एक्सरे पर सब निकाला और सब निकाल के उसने मेरे को बोला पुराना रिपोर्ट
और नया रिपोर्ट में उसने बोला कि काफी चेंजेज आ गया है, तो उसने बोला आप ऐसा मत करो, सर्जरी का भी मत सोचो, दो तीन महीना आप ये ट्रीटमेंट चालू रखो आयुर्वेदिक की और जो आप कर रहे हैं एक्सरसाइज और सब डाइट चार्ट के, ठीक ठीक ठीक, उसमें मूवमेंट नहीं आता तो मैं सर्जरी करने के लिए अभी भी दिया हूँ, पहले भी बाद में भी करूंगा, लेकिन अभी जो है कंडीशन में सर्जरी नहीं कर सकता मैं। बहुत बढ़िया, तो इधर दिखाई, तो सबसे पहले तो जो है उन डॉक्टर्स को भी जो है कोटि कोटि नमन है, ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर जहाँ पे उनको लग रहा है कि रिवर्स रिपोर्ट हो रही है तो जो है वो सर्जरी के लिए पेशेंट को रोक लेते हैं। और सर्जिकल प्रोसीजर किसी भी सर्जन को पता है कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, 5 से 7 साल जो है मैक्सिमम सर्जरी चलने के चांसेस रहते हैं अगर आपकी किस्मत सही है तो, है ना, 15 साल 20 साल ऐसी कोई सर्जरी नहीं चलती, बहुत ज्यादा परहेज के साथ चल सकती है, ना के बराबर पेशेंट होते हैं जो 15 से 20 साल अपनी सर्जरी को चला लेते हैं, ऐसा हर सर्जन को पता होता है फिर भी वो सर्जरी करवाते हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स ने रिकवरी रेट को देखते हुए इनकी सर्जरी को रोका है तो उनको भी ढेर सारी बधाई है पहले तो, है ना। उसके बाद आप क्या थॉट आया, उन्होंने क्लियरली बोला कि सर्जरी नहीं करवानी है, ये वाली केस में मैं सर्जरी नहीं कर सकता, पहले वाली रिपोर्ट जो है इस वाली रिपोर्ट से बहुत ज्यादा बेटर है, आपको आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर उसके बाद उसने मेरे को ऐसा बोला कि मेरे हिसाब से आप 6 महीना वेट करो, 6 महीने में ट्रीटमेंट चालू रखो, एक्सरसाइज चालू रखो, जो आपका डाइट है सब चालू रखो, उसमें कितना चेंज आता है देखते हैं, वरना मैं कर दूंगा, नहीं करूंगा ऐसी बात नहीं है, फिर नया एक्सरे निकाल के। लेकिन उसने बोला कि राइट साइड में मूवमेंट अच्छा आया है तो लेफ्ट साइड में आने वाला है मेरे हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि चलो मैं जब पहली गया था वहाँ दूसरी बार जाके एक्सरसाइज ले लेता हूँ तो कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो है ही नहीं टाइम के अलावा, तो वही सब से दूसरी बार आपके पास इधर आया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पेशेंट जो है मैक्सिमम पेशेंट मेरे से एक चीज के लिए परेशान रहते हैं, बोला सर पूरी तरह से आप दर्द नहीं भगाते, दर्द का सबसे मेन फिनोमेना ये रहता है कि अगर हम विदाउट पेन किलर कोई ट्रीटमेंट चला रहे हैं तो जो है आराम तो दर्द में 30%, 40%, 50%, 70% तक आराम से आ जाता है, कुछ चीजें बच जाती हैं 10 से 5%, किसी को 2%, किसी को 9% के समथिंग, जो वो दर्द बच रहा है वो इसलिए बच रहा है, कोई भी हम स्टेरॉइड पेन किलर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करने वाले, तो एक हफ्ते में तो जादू नहीं होने वाला। पेन जो रहता है वो सड़न की वजह से होता है, मतलब डीजनरेशन की वजह से, जो ही ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है तो डीजनरेशन रुक जाता है तो पेन भी स्टॉप हो जाता है कई लोगों का। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कभी कभी जो है पेन वाली कंडीशन में हर किसी का रिव्यू अलग रहता है और हर किसी की कंडीशन अलग रहती है, तो पेन से हम एवास्कुलर नेक्रोसिस को कोरिलेट नहीं कर सकते कि रिकवरी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। एक बारी क्या हुआ, हमारे पास कोई ग्रेड 4th वाला पेशेंट आया था, उसके मूवमेंट भी सब थे ऑलमोस्ट, पेन भी बिल्कुल नहीं था, तो इसका तो ये मतलब होता है उस पेशेंट को जो है घर बैठना चाहिए, मतलब वो एवास्कुलर नेक्रोसिस पेशेंट नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। एवास्कुलर नेक्रोसिस जो है हेड ऑफ फीमर के जो है शेप पर डिपेंड करता है, चाहे आपको पेन है चाहे नहीं है, चाहे जो है आपके मूवमेंट सारे हैं चाहे नहीं है, कभी कभी हम ग्रेड 3rd, ग्रेड 4th में भी जो है एडवांस स्टेज के एवास्कुलर नेक्रोसिस में एक ही हफ्ते में सारे मूवमेंट दे देते हैं, पेन भी सारा मैनेज कर लेते हैं, तो क्या वो रिवर्स रिपोर्ट हो गई है, क्या वो एवास्कुलर नेक्रोसिस से जो है ठीक बिल्कुल तरीके से ठीक हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है ये सब चीजें, है ना। तो नेक्स्ट सेटिंग में आपका स्वागत है, दोबारा से हम चीजों को करेंगे, और जो 2 महीने में डेढ़ महीने के समथिंग हुआ था, 1.5 महीने में जो रिपोर्ट आपको दी है उससे भी बेटर रिपोर्ट मैं आपको दोबारा दूंगा, है ना, कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम और दीजिए, इससे बेटर रिपोर्ट दूंगा। तो मिलते रहेंगे आपको इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन को अपनाइए, नमस्कार।